स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 2.2 द सोवेनियर इन इंग्लिश बाल भाटी टेक्स्ट बुक इन क्लास 7। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। विद द टिप ऑफ हर नोज प्रेस टू द विंडो ऑफ स्पेस शटल, सैली सैट गेजिंग एट द यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग। स्टिल शी डिड नॉट सीम टू बी कंटेंट। शी हैड रीड द डिस्क्रिप्शन of this view several time before and had seen this scene on the video too। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, देखो जब स्पेस शटल होता है वहाँ पे, देखो स्पेस शटल आपने देखा होगा जहाँ पे जो बड़ी बड़ी रॉकेट रहती है जो यूनिवर्स में जाती है और मून में जाती है और प्लैनेट्स में जाती है। तो यहाँ पे जो सवैली है, एक लड़की का नाम है, वो अपने घर की विंडो के पास देख रही कि एक स्पेस शटल, एक बड़ा सा स्पेस शटल है, वो कहाँ जा रहा है, प्लैनेट में जा रहा है, यूनिवर्स में जा रहा है। बट दिस वॉज डिफरेंट, रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, वॉचिंग द पिक्चर्स एंड वीडियो कैप्चर बाय कैमरा वॉज अनदर, बट गेटिंग ऑन अपॉर्चुनिटी टू यू दैट अमेजिंग पैनोरामा विथ योर ओन आईज बिहाइंड, बींग प्रेजेंट फिजिकली राइट इन द मिस्ट ऑफ इट, इट वॉज इंडेड एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग, हर ओ एंड वंडर डिड नॉट सीम टू बी अबेट। अब यहाँ पे जो सयाली है बच्चों, इस लेसन में क्या है, एक लड़की है जिसका नाम सयाली, वो अपने घर के विंडो के पास क्या देख रही है, एक बड़ा सा स्पेस शटल है, एक बड़ा सा जो स्पेस शटल है, जैसे आपने रॉकेट देखा होगा स्काई पे फ्लाई उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए देखा होगा, वो क्या देख रही है, एक बड़ा सा स्पेस शटल है जो कहाँ पे जा रहा है, एक प्लैनेट में जा रहा है, जैसे प्लैनेट में जाता है, यूनिवर्स में जाता है, मून में जाता है। तो वो सब ऐसी सब सारी सीनरी उसने पहले कहाँ देखी थी, टेक्स्ट बुक में देखी थी, वीडियोज़ पे देखी थी, टीवी टेलीविज़न पे देखा था, लेकिन उसे ये फिजिकल अपीयरेंस देखने में बहुत मज़ा आ रहा है कि ये बहुत ही अच्छा सीन है। द अर्थ ग्रेजुअली अपीयर टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई। अभी अर्थ जो है, जब जैसे जैसे स्पेस शटल दूर होते स्काई में फ्लाई होते जा रहा है, जो हमारी जो अर्थ है वो छोटी से छोटी होते जा रही है, स्काई से बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। द एजर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक, द क्लाउड्स हैड डिसअपीयर, द स्टार वॉज शाइनिंग ब्राइट। अभी जैसे जैसे ये स्पेस शटल स्काई में फ्लाई होता है, तो हमारी जो अर्थ है, स्पेस शटल का पिक्चर आप देख सकते हो और हमारा अर्थ देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्स जो हमारे स्काई में शाइन करते हैं नाइट में। अभी जब सयाली देखती है कि एक जो स्पेस शटल है जो स्काई में क्या हो रहा है, उड़ रहा है, फ्लाई हो रहा है, तो जैसे जैसे वो उड़ते रहता है, तो हमारी जो अर्थ वो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है, और जो नाइट में जो सारे जो स्टार्स है स्काई में हैं वो बहुत ही ट्विंकलिंग कर रहे, ब्राइट शाइनिंग कर रहे, और हमारे जो डार्क क्लाउड्स है वो और डार्क क्लाउड्स है वो डिसअपियर हो जा रहे हैं, हमारे जो क्लाउड्स है डार्क हो जा रहे हैं। ओ मम्मी, नेहाज ग्रैंड मदर वॉज सेइंग डेट इन द चाइल्ड हुड द लॉन्गेस्ट ट्रिप फॉर स्कूल चिल्ड्रेन यूज टू बी ओनली अप टू दिल्ली और कोलकाता। इट सीम्स सो फनी इजंट इट, सेड सयाली लाफिंग, रिमेंबरिंग द इंसिडेंट मेड हर लाफ इवन नाउ। अभी यहाँ पे सयाली अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी नेहा की दादी पहले उसे बचपन में क्या बताती थी कि लोग उसे बचपन में स्कूल के बच्चों को ट्रिप पे ले जाया करते थे। वो कहाँ पे लेके जाया करते थे, दिल्ली या कोलकाता के ट्रिप में लेके जाया करते थे। जिससे सयाली को बहुत हंसी आ रही है, मम्मी ये तो कितनी फनी की बात है, जो स्कूल के ट्रिप में नेहा की ग्रैंड मदर है, नेहा की जो दादी और नानी है, वो ऐसा बोलती थी बचपन में स्कूल में हमें कहाँ पे लेके जाया करते थे, स्कूल ट्रिप, मतलब स्कूल के बच्चों को ट्रिप पे लेके जाया करते थे, दिल्ली या तो कोलकाता में लेके जाया करते थे। Now the shuttle was getting closer and closer to the moon, then started orbiting the moon. In every 32 minutes, the shuttle completed one revolution around the moon. अभी यहाँ पर जैसे जैसे शटल स्काई में फ्लाई होता है, आप देख सकते हो जैसे जैसे वो बादलों में उड़ रहा है, तो वो मून के करीब कैसे जा रहा है, मून के और क्लोज होते जा रहा है, आप देख सकते हो मून के वो क्लोज होते जा रहा है, और जैसे जैसे वो मून के करीब जाता है, तो वो मून के तरफ एक राउंड अप कर लेता है, और वो हमारा जो शटल कैसे हर 32 मिनट्स में कितना राउंड कंप्लीट करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है। हमारा जो स्पेस शटल है ना, अगर उसके मून के पास एक चक्कर लगाना होता है, एक राउंड लेना होता है, तो वो 32 मिनट्स में, आधे घंटे से 2 मिनट एक्स्ट्रा, वो एक राउंड मून के पास कंप्लीट करता है। जैसे हमारी अर्थ कैसे रोटेट हो रही है, हमारी जो अर्थ है वो सन के पास घूमते रहती है।
light and darkness follow each other in quick succession. The dome-shaped settlement on the moon which resembles the igloo of the Eskimos were now visible. जैसे आप देख सकते हो मून का शेप कैसा रहता है, कभी कभी इग्लू के जैसे शेप की जैसा दिखता है. जैसे मून हमारा सिल्वर और व्हाइट कलर का दिखाई देता है, और जैसे जैसे स्पेशल शटल मून के करीब जा रहा है तो वो एक चक्कर उसे कंप्लीट करने के लिए आधे घंटे जा रहे हैं, 32 मिनट जा रहा है. आफ्टर सम टाइम सैली शटल मेड अ स्लो मेजर सेफ लैंडिंग ऑन द मून. द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन. The children was spotted in the throw a light and turned into the settlement at Neil Armstrong base. अभी जैसे जैसे सियाली का शटल धीरे धीरे स्लो होने लगता है तो वो कहाँ पे जाता है, एल लाइट पे जाता है, एट टाइट पे जाता है, जैसे टनल बना होता है जहाँ पे जैसे हमारे जो थे एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने वो पहले चांद पर उन्होंने पहला कदम रखा था. जैसे जैसे सियाली का स्पेस शटल मून के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट रहते हैं उसे इंस्ट्रक्शन देते कि तुम्हें कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रांग बेस टू मेक यू स्टे ऑन द मून एंड प्लेज एंड कम्फर्टेबल. यहाँ पे जो है जो स्पेस शटल में जैसे वो मून पे वो लोग पहुँचते हैं, जो सयाली का स्पेस शटल जब मून पे पहुँचता है तो उसे मून पे रहने वाले जो रहते हैं उसे वेलकम करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे मून में तुम्हारा स्वागत है. कि यहाँ पे पहले नील आर्मस्ट्रांग आए थे, उन्होंने अपना पहला कदम यहाँ पे रखा था. आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन. लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शन. प्लीज फॉलो देम During your stay, you know that the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth is. In the human settlement on the moon, gravitational force equivalent to the that of the earth has been artificially mentioned. But outside those settlements, the gravitational force of the moon is at work. We'll have to be extremely careful when you roam around there. The second point to be remembered is related to shopping on the moon. You all be interesting carrying souvenir bag for home from the moon. अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जब ये सयाली का स्पेस शटल यहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे पहुँचता है, मून के पास पहुँचता है. सयाली का स्पेस शटल कहाँ पहुँचता है, मून के पास. आप यहाँ पे मून का पिक्चर देख सकते हो. जब मून के पास पहुँचता है तो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को बोलते हैं. यहाँ पे जैसे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग हमारे जो ग्रेट एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने पहला कदम रखा, लेकिन हमारे जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी है, वो हमारी 1/6 है. और यहाँ पे अगर तुम्हें ट्रैवलिंग करना है तुम्हें हमें हर चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर तुम घूम रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ का बहुत ही कम है, और तुम्हें यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, अगर तुम्हें कुछ शॉपिंग करना है तो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा. प्लीज़ बाय द आर्टिकल ओनली फ्रॉम द शॉप विच आर इनसाइड द डोम शेप सेटलमेंट. मतलब तुम्हें वैसे आर्टिकल को की शॉपिंग करनी है जो डोम शेप में हो. देर विल बी एश्योर ऑफ जेन्युइन आर्टिकल. डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथराइज शॉप और outside the settlement. I wish you a very happy and pleasant stay on the moon. मतलब यहाँ पे जब सयाली जब पहुँचती है, सयाली जब स्पेस शटल से पहुँचती है मून पे, वो देखती है यहाँ पे मून में मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ में. तो उसे किस बात का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वेलकम यू, मतलब मून में तुम्हारा स्वागत है. यहाँ पे सबसे पहले किसने कदम रखा था, हमारे जो ग्रेट एस्ट्रोनॉट है नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था. लेकिन यहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1/6 है, बहुत ही कम है. अगर तुम्हें घूमना है तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा. तुम्हें वाकई मून में अगर तुम शॉपिंग करना चाहती हो तो तुम्हें कौन से आर्टिकल खरीदने हैं जो डोम शेप में हो और बहुत ही जेन्युइन हो, और बहुत ही तुम्हें अनऑथराइज जगह से तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है. तो मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि यहाँ पे तुम मून में खुशी खुशी रहो. जैम पैक देर 3 डेज प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रन ऑन द मून. अभी जो जैम पैक था वो 3 डेज प्रोग्राम था मून के अंदर जो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था. अकॉर्डिंग टू अर्थ कैलकुलेशन ऑन द मून देर वर 15 डेज ऑफ डे लाइट 15 डेज ऑफ नाइट टाइम. मतलब जो अर्थ की कैलकुलेशन अगर किया जाए तो मून में 15 डेज क्या होती है, रोशनी होती है, उजाला होता है. और 15 डेज क्या होती है, नाइट होती है. 15 डेज क्या होता है, अंधेरा होता है. The 3 days of the trip were going to be part of the night time on the moon. अभी जो सयाली का जो 3 days का ट्रिप होने वाला था वो क्या था, 3 दिन मून पे उसे अंधेरा दिखाई देता, मून पे उसे हर तरफ अंधेरा रात दिखाई दे रही थी. One of the most important program of the first day was द स्काई वॉच. मतलब जो पहला था मून में जो प्रोग्राम था वो स्काई वॉच था, मतलब हमें मून से स्काई को देखना था.
On the earth, it was usually foggy and the star was seen rarely only very faintly. अभी यहाँ पे जो थे अर्थ से अगर हमें स्काई को देखना था, मून से अगर हम अर्थ अर्थ को देख रहे थे या स्काई को देख रहे थे, तो हमारा जो अर्थ है वो मतलब अर्थ अर्थ से मतलब हमारा जो स्काई है बहुत ही फॉगी दिख रहा था। जैसे मतलब हमारा जो स्काई आप देख सकते हो, स्काई हमारा बहुत फॉगी, मतलब ऐसा लगा था कि वहाँ पे वो सर्दी हुई है। और स्टार हमारा जो था, स्टार बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे। जब स्टार थे मून से अगर हम स्टार देखते तो स्टार बहुत ही दूर दूर दिखाई दे रहे थे और स्टार बहुत हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। देर वॉज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार शोन डेजलिंग ब्राइट। अभी यहाँ पे जो मून है, यहाँ पे मून पे जैसे सयाली गई अपना स्पेस शटल लेके वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो जो हमारे जो मून पे बिल्कुल एटमोसफेयर है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि हमारे मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम मून से अपना स्काई देखेंगे तो स्काई देखेंगे तो बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा है। ज़मीन हमारी जो अर्थ है वो भी ऐसी दिखाई दे रही है, मतलब फॉगी दिखाई दे रही है। ऐसा लगा कि सर्दी का मौसम होने वाला है, ठंड विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया है। स्टार्स हमारे बहुत ही दूर दूर दिख रहे हैं, बहुत ही हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मून पे बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ का जो बैकग्राउंड है मून, जैसे हम मून से अपना स्काई का बैकग्राउंड देख रहे हैं तो बहुत ही डार्क दिखाई दे रहा है, और हमारे जो स्टार्स है वो डेजलिंग ब्राइट शाउंड कर रहे हैं, मतलब वो अच्छी तरह से चमक रहे हैं। The most attractive view was that of the disk of the earth. In the moon sky, the earth looked 13 times bigger than the moon in the sky. It always 70 times brighter. The earth light fell on the moon. That this beautiful enchanting view made Sally and her friends ecstatic. They fall asleep feeling happy, excited and uncomfortable at the same time. अभी यहाँ पे सबसे मोस्ट एक्टिविटी ये बात क्या है कि अगर हम स्काई से मून स्काई से अगर हम अर्थ को कंपेयर करेंगे तो हमारा अर्थ क्या है 30 टाइम्स बिगर देन मून से दिखाई देगा। अब ये भी कहा जाता है कि इट वॉज 70 टाइम्स ब्राइटर, मतलब 70 टाइम्स मतलब उस पर रोशनी और चमकता हुआ हमारा अर्थ दिखाई देता है। द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून, मतलब हमारी जो अर्थ की जो रोशनी है वो किस पे जाती है, मून पे जाती है। अगर हमारी ज़मीन की रोशनी, हमारी अर्थ की रोशनी अगर मून पे जाती है तो हमारा जो मून है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ही ब्राइट शाइन करता है, जिससे सयाली का जो मून है, मून का ट्रिप है बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है। उसके फ्रेंड भी इंजॉय करते हैं, जैसे जैसे वो सोने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही इंजॉय करने लगते हैं कि हमें ये सीनरी हमें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी सेकेंड डे क्या होता है, द सेकेंड डे अट्रैक्शन वॉज अ सर्कस ऑन द मून। अभी सेकेंड डे क्या था, मतलब उनके मून पर सर्कस होने वाला था। One unique feature of the circus was sitting arrangement. The spectator were made to sit in the tent and circus was going to outside. मतलब वहाँ पे क्या एक बड़ा सा टेंट बना दिया गया था, सर्कस अरेंज किया था कि वहाँ पे सर्कस शो होने वाला है। हाई जंप लॉन्ग जंप वर द स्पेशल अट्रैक्शन। वन जिमनास्ट जंप 27 मीटर हाई। मतलब वहाँ पे जब सर्कस शो होने वाला था मून पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक जो जिमनास्ट था, एक जिम जो ट्रेनिंग था बहुत ही अच्छा ट्रेनर था, उसने 27 मीटर हाई जंप किया। ऑन बोथ द डेज बिसाइज द मेन अट्रैक्शन मच टाइम वॉज रिजर्व फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट देयर। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट शुड स्पेंड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। द टीचर हैज असाइन देम द टास्क ऑफ राइटिंग ऑन इजी ऑन हाउ दे स्पेंड टाइम ऑन द मून। मतलब टीचर ने उन्हें एक ऐसे दे दिया था कि अगर तुम्हें मून पे अगर रहने को जगह मिलेगी तो तुम अपना जो अच्छा जो प्रीशियस टाइम है तुम मून पे चांद पे कैसे बिताओगे, कैसे मतलब वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। विच प्लेस दे विजिटेड व्हाट दे ऑब्जर्व एक्सेट्रा। सयाली एंड हर फ्रेंड्स हैड ट्रैवल फार एंड वाइड एंड डन लॉट ऑफ साइट सीइंग। मतलब उन्हें टीचर ने क्या दे दिया था, एक असाइनमेंट दे दिया था, एक सेल्फ स्टडी दे दिया था, कि एक टास्क दे दिया था, एक कंपटीशन दे दिया था, एक ऐसे दे दिया था कि अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहो मून के बारे में, अगर तुम अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी अगर मून पे जैसे अर्थ के बजाय तुम मून पे अगर रहना चाहोगे तो तुम्हें क्या क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तुम क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ऑन थर्ड डे द टीचर टुक देम टू प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। 100 years ago, Neil Armstrong had landed at this place. Everyone was looking forward to see this visit to the historical monument. It was the oldest place in the history of man on the moon. The first footprint of Neil Armstrong was
preserved on the moon land. Beside the footprint was grand statue of Armstrong. At the base of the statue was carved the first words uttered by woman on the moon. One small step for a man, one giant leap of mankind. अब यहाँ पे जो थर्ड डे उन्हें कहाँ पे टीचर लेके जाती है, जब थर्ड डे शुरुआत होता है हमारे स्कूल का, तो थर्ड डे टीचर वहाँ पे बच्चों को कहाँ लेके जाती है, अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस पे लेके जाती है, जहाँ पे एक म्यूजियम होता है, जहाँ पे जो साइंस से रिलेटेड है सब बातें हुई, वो जो है इंसिडेंट हुआ रहता है, जो हिस्टोरिकल प्लेस मतलब जो जो इंसिडेंट हुए हैं वो सब उन्हें दिखाई देती है। मतलब 100 साल पहले आज से अगर हम देखेंगे तो नील आर्मस्ट्रांग जो हमारे ग्रेट एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने चांद पे पहला कदम रखा। मतलब सब लोग थे, सारे स्टूडेंट थे, बहुत एक्साइटेड थे कि चांद पे कदम पहला किसने रखा। तो सारे मतलब टीचर ने उन्हें क्या बताया, आज से 100 साल पहले जो हमारे ग्रेट एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रांग, उन्होंने चांद पे पहला कदम रखा। मतलब अब सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर वो कौन थे, मतलब वो हमारे एक ग्रेट एस्ट्रोनॉट थे। मतलब ये पहले की तारीखों में बोला जाता है कि ये जो एक पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पे एक पहला कदम रखा, नील आर्मस्ट्रांग जो हमारे जो ग्रेट एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। उनका जो फर्स्ट फुटप्रिंट था, मतलब वो अभी भी मून में क्या है, प्रिजर्व, जो मून उनका जो फर्स्ट फुटप्रिंट है, जैसे पाँव का उनका जो निशान है, उनके पाँव का निशान अभी भी चांद में प्रिजर्व है, अभी भी मून लैंड में संभाल के रखा गया है। उनका जो उनके फुटप्रिंट का क्या बनाया गया है, एक स्टैचू बनाया गया है, उनके फुटप्रिंट का स्टैचू बनाया है। बेस ऑफ स्टैचू वॉकअप एट द फर्स्ट वर्ड अटर बाय ह्यूमन ऑन द मून। जब नील आर्मस्ट्रांग जब मून पे उन्होंने पहला कदम रखा तो उनका फुटप्रिंट प्रिजर्व करके संभाल के रखा गया है, कि उन्हें उनका क्या कहना था कि वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन ग्रैंड लीप ऑफ मैनकाइंड। मतलब एक मैं पहला इंसान हूँ जो मैंने अपना जो मैंने चांद पे पहला अपना कदम रखा है, जो एक इंसानियत के लिए एक बहुत ही एक मिसाल कायम करेगा कि इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा है। द नेक्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द फॉर द चिल्ड्रेन वॉज दैट दे वर गोइंग टू वियर द स्पेस सूट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी जो नेक्स्ट अट्रैक्शन क्या था कि जो स्कूल के स्टूडेंट थे वो बच्चे क्या करने जा रहे थे, स्पेस सूट पहनने जा रहे थे। जो एस्ट्रोनॉट जो अगर वो एस्ट्रोनॉट रहते हैं, अगर उन्हें स्पेस में ट्रैवल करना होता है, अगर यूनिवर्स में ट्रैवल करना होता है, मून प्लैनेट में ट्रैवल करना होता है, तो वो ऐसे नॉर्मल ड्रेस पहन के ट्रैवल नहीं करते, उनका एक स्पेस सूट होता है। हाँ, उनका एक स्पेस सूट होता है, जो अपना स्पेस सूट पहन के वो क्या करते हैं, स्पेस सूट पहन के वो मतलब स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं, प्लैनेट में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, मून में जाते हैं। तो थर्ड डे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट बन गया। सारे स्टूडेंट ने क्या पहन लिया, अपना स्पेस सूट पहन लिया, कि उन्हें स्पेस मतलब उन्हें यूनिवर्स में ट्रैवल करना है, प्लैनेट में जाना है, मून में जाना है। देन दे वर गोइंग टू रोम आउटसाइड एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। जैसे हमारी अर्थ क्या है, हमारी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कि अगर हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसे वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर हम कोई भी चीज़ ज़मीन पे हम गिराएंगे तो उसे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी, मतलब उसे खींच लेगी। लेकिन हमारी जो अर्थ के बाहर, हमारी अर्थ के बाहर बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दे आर गोइंग टू रोम आउटसाइड द एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। मुझे जितने भी बच्चे थे वो मून के बाहर क्या कर रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, वो गिर ही नहीं सकते। Be careful when you walk, dear children. Don't run, sprint, we will fall. The teacher was warning repeatedly, but who was in the mood to listen? They hopped, jumped and ran around. अभी यहाँ पे जो बच्चे थे वो विजिट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, स्पेस सूट पहन लिया। वो मतलब मून के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे, ऐसे राउंड अप मार रहे और घूम रहे, उन्हें परवाह ही नहीं, क्योंकि वो गिरने वाले नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं है। मतलब टीचर उन्हें गाइड कर रही कि डियर चिल्ड्रन ज़्यादा भागो मत, ना ही अगर ज़्यादा भागोगे दौड़ोगे तो तुम गिर जाओगे, लेकिन टीचर की बात कोई सुनने को तैयार नहीं। टीचर बार बार उन्हें वार्निंग दे रही, लेकिन कोई भी सुनने के मूड में नहीं। सारे जो स्टूडेंट है वो इंजॉय कर रहे, दे आर होपिंग मतलब हॉप कर रहे, जंपिंग कर रहे और भाग रहे हैं। Buy ornaments specially made from the stone on the moon. Very cheap and cheaper than those available in the shop in the settlement. Cheaper and better. At least have a look. The roadside shopkeeper screamed at the top of their voice. Buy, sister, buy. I am selling this earring really cheap. Saying this, he approached Sayali and displayed the set of shining stone earring. Sayali suddenly remembered her mother. Tomorrow they were to start on their journey. She had completely forgotten her mother in the last 3 days. She felt terribly guilty. Buy this, sister. Don't think much cheaper and better take it.
Sally looked around the children and had proceeded ahead. Come on, give me this red earring. Quick and Sally printed at them and asked, come on, give me this those red earring. Quick and Sally pointed at them and asked, what's the price? Only 1,000 rupees, replied the salesman. अभी यहाँ पे जब सयाली देखती है कि सयाली के सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं यूनिवर्स में, मतलब मून पे क्या करते हैं, घूमने लगते हैं चारों तरफ, क्या करने थे, घूमने लगते हैं। और टीचर उन्हें गाइड करती है कि तुम यहाँ वहाँ दौड़ो मत, भागो मत, नहीं तो तुम गिर जाओगे। लेकिन टीचर की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे बच्चे मतलब इंजॉय करते, घूमते फिरते इंजॉय करते, लेकिन उन्हें बाद में एक शॉप दिखाई देता है, जहाँ पे वहाँ पे जो एक शॉपकीपर रहता है वो चिल्ला चिल्ला के इयररिंग्स बेचते रहता है कि ये जो मेरी इयररिंग्स है बहुत ही चीप रेट में है और बहुत ही सस्ती है, यहाँ पे खरीद लो, प्लीज़ प्लीज़ बाय सिस्टर, प्लीज़ मेरी डियर सिस्टर ये इयररिंग को खरीद लो, ये बहुत ही सस्ती है, चीप रेट में है। अभी सयाली को जब ये इयररिंग देखती है तो उससे नज़र आता है कि मुझे अपनी मम्मा के लिए इयररिंग खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये 3 दिनों में मैं तो अपनी मम्मा को बिल्कुल भूल गई थी और मुझे मेरी मम्मा की बहुत ही याद आ रही है, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो वो अपनी मम्मी के लिए इयररिंग खरीदती है। तो वो शॉपकीपर के पास जाती है, बोलती है ये इयररिंग कितने की है? तो शॉपकीपर क्या बोलता है? ओनली 1,000 रुपीज़, रिप्लाई द सेल्समैन। सयाली इमिजिएटली पेड द अमाउंट एंड टुक द इयररिंग एंड रेन टू कैच अप विथ हर फ्रेंड्स। फिर सयाली क्या करती है, उस शॉपकीपर से क्या करती है, उस सेल्समैन से ये इयररिंग ले लेती है, बोलती है इयररिंग कितने की है? तो सेल्समैन क्या बोलता है, ये इयररिंग 1,000 रुपीज़ की है। जब वो इयररिंग ये ले लेती है, सयाली ले लेती है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैचअप कर लेती है, अपने फ्रेंड के साथ ज्वाइन कर लेती है। ऑन रिटर्निंग होम सयाली टोल्ड हर मदर वेरी एंथुसिएस्टिकली, मम्मी टुक व्हाट आई ब्रॉट फॉर यू। हर मदर पिक अप द इयररिंग, शी एक्सप्लेन सी एक्सक्लेम, हेलो डियर, हाई आई एम गोइंग टू वियर सच अ हैवी इयररिंग। सयाली इमिजिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, सयाली हैड परचेज द इयररिंग इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी। टैंडेंस फ्रॉम द स्टोरी भेड बाय लक्ष्मण लोंढे। अभी यहाँ पे जब क्या होता है, जब सयाली ये शॉपकीपर से सेल्समैन से इयररिंग खरीद लेती है 1,000 रुपीज़ की, तो बोलती मुझे अपनी मम्मा के लिए ये इयररिंग लेना है कि मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ। तो वो अपनी मम्मी के लिए इयररिंग 1,000 रुपीज़ के सेल्समैन से ले लेती है, अपने फ्रेंड्स के साथ जॉइन ले लेती है। और जब सयाली घर आती है, घर लौटती है कि उसकी मम्मा पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा गया, स्पेस शटल का जो ट्रिप था तुम्हारा कैसा गया, तो सयाली बोलती हाँ हमने बहुत इंजॉय किया, हमने सारा मतलब घुमा, मून को देखा, सारे वहाँ पे राउंड अप किया, सारा हम सारे फ्रेंड्स टीचर हमने बहुत मज़े किए। और वो बोलती मम्मा मैंने आपके लिए एक स्पेशल इयररिंग लाया है, ये किसकी, ये बहुत ही प्रेशियस रेड स्टोन से बनी गई है, ये इयररिंग बहुत ही प्रेशियस है। लेकिन मम्मा उसकी क्या बोलती है, बेटा सयाली, डियर सयाली, ये इयररिंग तो मैं पहन नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ही हैवी है, ये इयररिंग मैं कैसे पहनूंगी। ये कि फिर बाद में सयाली को क्या रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने तो भूल ही गया, ये इयररिंग तो बहुत ही हैवी है, लेकिन मुझे क्या पता था ये इयररिंग मैंने मून से ख़रीद के लाया है कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं है। सयाली इमिजिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, सयाली हैड परचेज द इयररिंग इन द फील्ड्स ऑफ मून्स ग्रेविटी। और इस लेसन को किसने लिखा है, हमारे ग्रेट राइटर, ट्रांसलेट फॉर्म स्टोरी भेट बाय लक्ष्मण लोंढे ने लिखा है। कि इन्होंने बहुत स्टोरी दिखा, अच्छी स्टोरी लिखा है कि जो जैसे जो बच्चे हैं जो स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं और मून को देखना चाहते हैं, प्लैनेट को देखना चाहते हैं, अदर्स प्लैनेट को देखना चाहते हैं, यूनिवर्स को देखना चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, सिर्फ हमारे जो अर्थ ऐसा है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाकी जितने ऐसे सारे जितने भी प्लैनेट हैं, ऐसे जो भी प्लैनेट है, ऐसा जो हमारा यूनिवर्स है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है, लेकिन हमारा अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन मून जो है मून में बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। लेकिन अगर हम वाकई अपने यूनिवर्स में विजिट करना चाहते हैं बाय स्पेस शटल, या मून पे देखना चाहते हैं, प्लैनेट घूमना चाहते हैं, या स्टार्स को देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर स्पेस ट्रैवलिंग करनी चाहिए। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।